यहाँ डिस्कस कर रहे थे फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन इन 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन. 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उस कार्बन के, कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे कार्बन के 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन के अंदर. फैक्ट पता होना चाहिए, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 AMU, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 AMU. कहने का मतलब क्या निकलता है, मतलब ये निकलता है कि मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन इज 12 AMU. एक एटम का मास 12 AMU. सो ग्राम्स में कन्वर्ट कैसे करते हैं बताओ, 12 AMU को ग्राम्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्जन फैक्टर ये by multiplying it from 1.66 into 10 to the power minus 24. ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाई 1.66 इन 10^-24 ये ग्राम्स में आ जाएगा. वन एटम ऑफ कार्बन का मास आ गया 12 मल्टीप्लाइड बाई 1.66 इन 10^-24 ग्राम्स. यहाँ तक की फैक्ट को हम लोगों ने कवर कर लिया. अब इसके बाद हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ एटम्स. टोटल मास क्या गिवन है, टोटल मास इज गिवन एज 12 ग्राम्स. कहीं पर 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन है, इसके अंदर हमें नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना है 12 ग्राम्स. ठीक है, लोग सिंपल सा काम कर सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन मास ऑफ ईच एटम. टोटल मास कितना है डिवाइडेड बाय मास ऑफ ईच एटम कितना है, अगर ये डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ एटम्स निकल के आ जाएगा, टोटल मास अपॉन मास ऑफ ईच एटम. टोटल मास अपॉन मास ऑफ ईच एटम, ओके, टोटल मास अपॉन मास ऑफ ईच एटम. टोटल मास कितना है, बहुत ही सिंपल यहां दिया हुआ है 12 ग्राम्स, उसको 12 ग्राम्स लिख लेंगे. अपॉन हर एक एटम का मास कितना है, जो ये बताया अभी तुमने, 12 इंटू सेम यूनिट्स होना चाहिए, तभी इसको कैंसिल कर सकते हैं, यूनिट्स डिफरेंट नहीं होना चाहिए इसको डिवाइड करने के टाइम. 12 ग्राम्स अपॉन 12 इंटू 1.66 इंटू 10^-24 ग्राम्स, अब ये ग्राम्स ग्राम्स खत्म हो जाएगा, तो नंबर निकल के आएगा एग्जैक्टली. यहाँ फिर से 12 खत्म हो जाएगा, ग्राम ग्राम कैंसिल, 12 कैंसिल, बच गया वैल्यू 1/1.66 इंटू 10^-24. अब ये नंबर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये नंबर कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 10^24 अपॉन 1.66. डेसिमल हटाएंगे तो ये 100 आ जाएगा, एंड ये जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आएगा, कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, ये वैल्यू आएगा 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10^23, जो कि होता है एवोगैड्रोज नंबर. हर एलिमेंट के साथ ऐसा ही होगा, हर एलिमेंट के साथ ऐसा ही होगा कि उसे ग्राम एटॉमिक मास में नंबर ऑफ एटम्स अगर निकालने जाएंगे सब में नंबर सेम आता रहेगा. कोई सा भी एलिमेंट पिक कर लो, सब में सेम नंबर आएगा 6.022 इन 10^23. तो बेसिकली पैकेट बन गया, नेचर में पैकेट्स के फॉर्म में एलिमेंट अब मिलते हैं तुम्हें, नेचर में तुम्हें एलिमेंट्स पैकेट के फॉर्म में मिलते हैं, जहां पे इतने एटम्स का एक पैकेट बना होता है और उस पैकेट का मास होता है इक्वल टू इट्स ग्राम एटॉमिक मास. एक पैकेट का मास होता है इक्वल टू इट्स ग्राम एटॉमिक मास. उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10^23 एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, इस नंबर को बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, और डिटेल में पढ़ेंगे इसको हम लोग आने वाले लेक्चर्स में. यहां तक की बातें क्लियर है, आज के लिए यहीं पे एंड कर लेंगे. ठीक है, ज्यादा एक साथ नहीं करेंगे, रिलैक्स करो एक दो दिन, उसके बाद फिर हम लोग फ्राइडे को शाम में क्लास लगाएंगे, तब थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे इसके बाद. देन यहीं पे एंड करते हैं लेक्चर आज का. थैंक यू सर. थैंक यू सर. किसी नोट तो नहीं करना था ना, मैंने बंद कर दिया बोर्ड, ऐसे रिकॉर्ड तो हो ही चुका होगा, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा तुम्हें, इसे कुछ मिस हुआ होगा तो मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा.